जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो न सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि जिसके द्वारा पाई गई जानकारी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व कर सकती है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर फंड्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप अपने फंड्स की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। और अगर आप नए हैं और आप अपने बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए जो पैसे की समस्या हो रही है उसे आप यहां से दूर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना वीडियो। आज का हमारा विषय है मुद्रा लोन है या फिर बैंक, कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके सारे कंफ्यूजन को क्रिएट करने का प्रयास किया है हमने आज इस वीडियो में। तो फटाफट से आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन की अगर बेटा बात करें तो मुद्रा लोन क्या है, मुद्रा बैंक है या मुद्रा लोन है? ये कंफ्यूजन काफी टाइम से रहता है लोगों को कि मुद्रा लोन है या मुद्रा बैंक है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर मुद्रा बैंक होती तो इसका आपको कहीं ना कहीं ऑफिस जरूर दिखता, कहीं आपको बड़ा बड़ा नाम लिखा होता, ऑफिस के ऊपर लिखा होता मुद्रा बैंक, ऐसा आपको कहीं नहीं मिला। यानी ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देती है कि मुद्रा एक बैंक नहीं है, मुद्रा एक योजना का नाम है जिसके माध्यम से सरकार लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रही है, उनको पैसा दे रही है ताकि वो अपने बिजनेस को खड़ा कर सके या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो मुद्रा बैंक है या लोन, ये तो क्लियर हो गया कि मुद्रा एक लोन है। तो मुद्रा पीएमएमवाई के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा पीएमएमवाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से इस योजना को जाना जाता है। एक्चुअल में था क्या, पहले पीएमआरवाई नाम से एक योजना चलाई जा रही थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से सरकार लोगों को, उन लोगों को लोन देती थी जो अपना बिजनेस करना चाहते थे या बिजनेस कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार योजना काफी पुरानी हो चुकी है और बहुत सारी नई योजनाएं लेकर सरकार आ चुकी है और उन नई नई योजनाओं में मुद्रा योजना बहुत ही सक्सेसफुल हुई और बहुत फेमस हुई, जिसका लाभ हमारे देश में कई युवाओं ने लिया और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। और बहुत से युवा ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस क्रिएट किया। तो मुद्रा योजना कब से स्टार्ट हुई, 18 अप्रैल 2015 से, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा 8 अप्रैल 2015 से मुद्रा योजना को स्टार्ट किया गया था। और इस योजना का नाम, मुद्रा का फॉर्म भी होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, यानी मुद्रा का एक पूरा नाम भी है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, यानी जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, उनको हेल्प करने के लिए सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। तो नाम से भी क्लियर हो गया आपको होगा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। और ये अपने आप में साबित करता है कि मुद्रा रीफाइनेंस एजेंसी है ना कि बैंक है, जो सरकार के माध्यम से पैसा बैंक पहुंचता है और बैंक उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है बिजनेस खड़ा करने के लिए। मुद्रा योजना का यह पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुद्रा योजना का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू न्यू एंड ओल्ड स्टार्टअप्स।
जो नए या फिर पुराने बिजनेस हैं, यानी ऐसे लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं नए हैं, या फिर वो लोग जो पहले से अपना बिजनेस कर रहे हैं और स्टार्टअप से, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी 10 लाख रुपए तक, ताकि वो अपना बिजनेस और अच्छा कर सके या बिजनेस खड़ा कर सके। अब इसका फीचर्स है, कोलेटरल फ्री लोन होते हैं, ध्यान रखिएगा कोलेटरल फ्री। आप जब भी लोन लेने जाते हैं कहीं तो आपको गारंटी देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये बिना गारंटी के दिया जाता है। जी हाँ, बिना गारंटी 100% कोलेटरल फ्री लोन। और इसके जो बेनिफिशियरी है वो एनीवन, कोई भी इसे ले सकता है, कोई भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे तो लोन नहीं मिला। माफ कीजिएगा, अगर आप किसी को 50 रुपए भी दे रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि वो वापस कर पाएगा कि नहीं। तो यहां तो सरकार और बैंक आपको 10 लाख तक लोन देने का प्रयास कर रहा है, सोच रहा है और दिया भी है, तो वो भी चाहेगा कि हम ऐसे इंसान को लोन दें जिसके रीपेमेंट की उम्मीद ज्यादा हो, पैसा अच्छे से हमारा वापस कर सके। इतना तो वो चेक करेगा। लोन न मिलने का कारण आपका इस योजना के प्रति जागरूक न होना है, आप इसकी बारीकियों को नहीं जानते, इसीलिए बैंक ने आपको डेफिनेटली लोन के लिए मना किया होगा। उसके कुछ कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से। जैसे कोई जब बैंक में जाता है तो ये बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप मुझे हेल्प कर दो तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, कोई बैंक लोन नहीं देगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं बहुत गरीब हूं, अगर आप हेल्प कर दे तो मैं दुकान खोल दूंगा, नहीं देगा बैंक लोन आपको। बैंक को आपकी पर्सनल चीजों से मतलब नहीं, आप गरीब हैं अमीर हैं बिजनेस करते क्या करते, बैंक को इस चीज से मतलब है कि आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि नहीं, आपके पास बैंक का पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं, आप उसको यूज करके खुद भी कमाओगे, दूसरों को भी रोजगार दोगे और बैंक का पैसा भी, गवर्नमेंट का पैसा भी वापस करोगे। अगर ये श्योरिटी आप बैंक को देते हो तो बैंक आपको लोन जरूर देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो हम बताएंगे। मुद्रा योजना 3 टाइप में डिवाइड की गई है, मुद्रा योजना 3 टाइप में डिवाइड की गई है। जिसका सबसे छोटा पार्ट है वो होता है शिशु। शिशु योजना के माध्यम से सरकार 50,000 रुपए तक का लोन देती है। जी हाँ, 50,000 तक। और इसकी दूसरी कैटेगरी है किशोर। किशोर योजना के माध्यम से 5 लाख तक लोन मिलता है, 50,000 से 5 लाख। क्लियर हो गया? शिशु योजना के माध्यम से 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक। और अगर हम बात करते हैं तरुण योजना की, तो तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो मुद्रा लोन को गवर्नमेंट ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला 50,000 से कम का, जिसका नाम दिया गया शिशु। दूसरा 50,000 से 5 लाख तक का, जिसका नाम दिया गया किशोर। और तीसरा तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया गया, जिसका नाम रखा गया तरुण। तो ये 3 टाइप के लोन मुद्रा लोन की कैटेगरी में समाहित है, बनाए। अब ये मिलते कैसे हैं आपको, हाउ टू गेट इट, कैसे आप पाएंगे? देखिए, इन्हें पाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, ये आपकी आइडेंटिटी होता है, आपको पता ही होगा। आधार कार्ड, आइडेंटिटी के साथ में ये आपका एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों में से कोई भी आपके पास एक उस बैंक में होना चाहिए जहां आपने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। मान लीजिए कि आप SBI में मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो स्टेट बैंक में आपका या तो बचत खाता होना चाहिए या फिर चालू खाता होना चाहिए। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो इसका मतलब आप पहले से ही बिजनेसमैन हैं, और अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो इसका मतलब आप आम आदमी हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको बहुत सारे कुछ और डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं बैंक। अगला है बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा यही आपको वही करते, आप बिना डॉक्यूमेंट के बैंक में पहुंचते हैं लोन लेने के लिए और बैंक आपको मना कर देता है कि हम लोन आपको नहीं दे पाएंगे। तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन
जीएसटी के थ्रू हो सकता है, आप जीएसटी ले सकते हैं। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, आपकी दुकान है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, कुछ भी है, उसका आप एसएमएमई में रजिस्ट्रेशन कराइए। तो एमएसएमई में आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही कराते हैं तो आपका वो रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाता है। या फिर आप उद्योग जो होता है, उद्योग सेंटर, उद्योग केंद्र, वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उद्योग आधार के नाम से जाना जाता है, यानी उद्योग आधार। उद्योग आधार, आप हर जिले में उद्योग केंद्र बने हुए हैं, वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने बिजनेस का, या फिर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए, इससे ये पता लगता है कि आपको बिजनेस की नॉलेज है, आप रजिस्टर्ड हो। हाँ, आप बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड। ध्यान रखना इस चीज को कि अगर कोई पहले से बिजनेस कर रहा है तो बैलेंस शीट का मतलब होता है उसने कितना पैसा लगाया है, कितना उसके पास प्रॉफिट आया है। और एस्टिमेटेड का मतलब है कि आप कहां से माल खरीदेंगे, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, कहां पे माल बेचेंगे, फिर ऋण बिकेगा, कितना टैक्स पे करेंगे उसमें से, और कितना आपके पास प्रॉफिट निकलेगा, नेट मार्जिन कितना आएगा, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ये कोई भी सीए आपको बनाकर दे देगा। तो आपको सीए से मिलना है, सिर्फ इतना बताना है कि आप बिजनेस करना चाहते हो, आपको एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनानी है कि आप काम करना चाहते हो, माल कहां से लोगे, कहां बेचोगे, ये आप सीए को बताओगे और वो आपको बैलेंस शीट बनाकर दे देगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप बैंक में जाते हैं तो आई डैम श्योर कि बैंक आपको मना नहीं करेगा और बैंक ये समझ जाएगा कि यू आर द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर टेकिंग मुद्रा लोन। इसलिए बैंक आपको ये लोन जरूर दे देगा और ये लोन लेने के बाद आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस पर इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। इसका टाइम पीरियड 7 इयर्स तक के लिए है, यानी 7 इयर्स तक आप इसको चुका सकते हैं। और आप 7 इयर्स इसको चुकाइए और बाद में आप फिर से दूसरे लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और बहुत सारे लोन हैं गवर्नमेंट के जो आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं। हम अभी बात केवल मुद्रा लोन की कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को आप समझिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे लोन मिलता है। मान लीजिए आप बोरोवर्स हो तो आपको कहां जाना है, किसी भी बैंक में, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आप जाओगे, आपको बैंक लोन दे। रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक आपको लोन दे सकती है। शेड्यूल्ड अर्बन एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आपको लोन दे सकती हैं। अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूट भी आपको लोन दे सकते हैं, क्योंकि बैंक को गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि मुद्रा लोन की वजह से बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अगर मुद्रा लोन की वजह से बिजनेस बढ़ पाया और बिजनेस बढ़ता है या फिर नए बिजनेसमैन तैयार होते हैं तो उससे हमारे देश में आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, जीडीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात कि रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि यही स्वरोजगार करने वाले रोजगार को जनरेट करेंगे, दूसरों को रोजगार देंगे। इसलिए मुद्रा लोन की एक बहुत बड़ी भूमिका है इस टाइम में बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो इसे जरूर लें। आगे की बात में नेक्स्ट टाइम नया वीडियो लेकर फिर आपके साथ हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।